पहुंची जब मैंने इनकी हालत देखी, और ये इंसान एक ऐसा बंदा है जो सोता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं इनको हमेशा यही बोलती हूँ कि सोइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, रेस्ट भी कीजिए, सुबह सुबह उठ के जिम जाना, अपनी बॉडी का फिटनेस का ख्याल रखना, फिर शूटिंग पे जाना, इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में शूट करना, ये बहुत ही कमेंडेबल जॉब है और ये एक अच्छे एक्टर की निशानी है। कलकत्ता के लोगों के लिए कुछ खबरी है कि मैं बैरकपुर में अभी रोड शो किया था, तो स्पेशलिस्ट जानबूझ के वहां के लोगों का आया है कि नहीं हमारे बैरकपुर में लगा ये, तो वहां भी सिनेमा जैन सिनेमा में लग रहा है तो कलकत्ता। हाँ, क्योंकि मैं वहां पे जब रोड शो कर रहा था तो लाखों लोग मेरे पीछे थे और उनका खास करके मेरे पास निवेदन था कि भैया आप बैरकपुर में प्लीज लगवाइए, तो कलकत्ता बैरकपुर में भी सिनेमा अपना लग रहा है। तो और आप बहुत प्यारी हैं पता है आपको, और बहुत क्यूट हैं आप, और बहुत मेहनत, बहुत अद्भुत एक्ट्रेस हैं आप। मैं आपसे सीखने को भी मिला कि आप पे डरता था मैं, अरे आप कुछ भी भाई कब आप कैसा कर देंगी पता ही नहीं चलता था कुछ नहीं, ये सब आप लोगों के साथ की बात है, आप लोगों ने इतना हेल्प किया इसलिए शायद वैसे सीन्स अच्छे निकल के आए हैं। होता है ना कि जैसे रिएक्शन मिलता है वैसे दूसरा एक्टर रिएक्ट भी करता है, तो इतने अच्छे हर कोई कलाकार, मैं तो दंग रह गई कि हर एक कैरेक्टर जितने भी कलाकार है वो सारे मंजे हुए हैं, और ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। किसी का रीटेक अगर होता है तो वो शायद इमोशंस के, ऐसा नहीं है कि किसी को एक्टिंग नहीं आती, किसी को बोल नहीं सकते। हाँ, सभी ने अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है, स्पेशली खेसारी जी ने तो काफी की है, ये उनकी मूवी है, हम लोग तो चार चांद लगाए बनी हमने के खाली बस एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है सबका था, और सबने 110% मेहनत की, चाहे वो क्राउड के लोग हों या हमारे डायरेक्टर का। तो समझिए कि हम लोगों तो 1.5 महीने काम किया इस सिनेमा में, बट मुझे लगता है कि हमारे डायरेक्टर साहब इसको आज 5 साल से जी रहे हैं इस कहानी को लेके। हम जब लंदन में भैया से बात किए थे तो हमने कहा कि इसी कहानी पे काम, तो भाई इसके लिए प्रोड्यूसर कौन होगा, मैं बोला कि एक आदमी है ना नहीं, मानना पड़ेगा हमारे प्रोड्यूसर साहब को, मतलब जिगर है उनके पास, अगर उनको बोले कि भाई इस सीन में चॉपर चाहिए वो तुरंत बुलवा देंगे, तो ऐसा जिगर होना चाहिए, रिस्क लेने वाला इंसान होना चाहिए, वो रिस्क लेके लेने से डरते नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है उनके लिए, हमारे प्रोड्यूसर के लिए क्या बोले, उनके लिए तो शब्द ही कम पड़ेंगे, जिस तरह से वास्ट स्केल में वो रिलीज करवा रहे हैं हमारी मूवी, यही बहुत बड़ी बात है, और शायद इससे बहुत ही बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। 2500 सिनेमा बढ़े लेकिन अगर 250 सिनेमा हाउस फुल हुआ तो मैं वादा यही रोशन सर कल 250 सिनेमा भी लगाएंगे और 2500 सिनेमा भी लगाएंगे और थिएटर हमें, बस लोगों को मैं अपील और आप भी कर दीजिए लोगों से कि भाई सिनेमैक्स और जितने भी थिएटर हैं बेहतर सिनेमा हॉल के साथ लग रही है सिनेमा ये, तो आप लोग इतना प्यार दे दीजिए कि आज हम 250 सिनेमा हॉल में है, कल 2500 सिनेमा हॉल में, कल 5000 बढ़े, तो बढ़ाना हमारे जनता के ऊपर है, हम तो बेहतर काम ही कर सकते हैं और अपील ही कर, बस अपने भाषा को सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे भोजपुरी समाज का दायित्व तो बनता है कि अपने भाषा के लिए जितना हो सके आप थोड़ा सा अपना एनर्जी लगा देंगे तो शायद हमारा सिनेमा और बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पूरी पारिवारिक फिल्म है और सबको यही हम लोग इनवाइट यहीं से कर रहे हैं कि आप अपने परिवार सबको लेकर आइए और ये सिनेमा थिएटर में ही देखने लायक है, तो थिएटर में ही एकदम खचाखच भर दीजिए हॉल को, देश के लिए सिनेमा है, देश के लिए जो सैनिकों की क्या मानव दशा होती है, एक सैनिक पे क्या गुजरती है, ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आज है तो हम सुरक्षित हैं। तो मुझे लगता है कि देश के प्रति बहुत कम ऐसी चीजें बनती है जो देश के भविष्य के लिए, और एक सैनिक की मानव दशा क्या होती है, एक सैनिक कितने कष्टों में अपने जीवन को चलाता है और अपने परिवार को चलाता है, शायद एक आम आदमी नहीं समझ पाता। तो हमें इस सिनेमा को देखने से एक फायदा तो जरूर होगा कि अपने सैनिकों के प्रति जो सम्मान और प्यार है सबके मन में है, लेकिन मुझे लगता है सिनेमा के बाद और बढ़ेगी। तो मेरी कोशिश और हम जो सिनेमा किए हैं आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देकर और इस सिनेमा को हमारे मेहनत से ज्यादा आप दे दीजिए ताकि हम इससे भी बड़ा सिनेमा रोशन सर से बोल के बनवाएं और आप सबका मनोरंजन कराएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रिमांशु सर कहाँ छुपे हैं, उनसे भी कुछ बुलवाया जाए।